एवरीवन, और विंटर्स आ गई हैं और विंटर्स के अंदर हम सभी को एक चीज़ सबसे ज़्यादा याद आती है, विच इज़ हीटर्स। सो हीटर्स के अंदर मैं आज जो मेरे पास जो है वो है मॉर्फी रिचर्ड्स का बेस्ट मिड रेंज पीटीसी हीटर। पीटीसी हीटर बेसिकली क्या है? पॉजिटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट हीटर्स। सो पीटीसी हीटर्स जो होते हैं, इनके सबसे बड़ा बेनिफिट ये होता है कि ऑक्सीजन को और मॉइस्चर को बहुत कम बर्न करते हैं एज कम्पेयर टू ब्लोअर या फिर जो पहले के टाइम में कॉइल वाले जो हमारे हीटर हुआ करते थे उसके कंपेरिजन में। तो इसलिए हमें बाल्टी रखनी पड़ती थी, अदर चीज़ें रखनी पड़ती थी। आई गेस बर्न ये भी करता होगा, बट दिस इज मच बेटर एंड एफिशिएंट देन अदर हीटर्स सिंपली। सो आज हम इसी का रिव्यू करने वाले हैं। मैं आपको पहले बताता हूँ कि ये मेरे को कितने में पड़ा और इसका बेसिकली इसके फीचर्स कैसे हैं, इसका यूज़ कैसे है और ये कितना एफिशिएंट है वो भी आपको बताना जरूर है। तो वीडियो के एंड में मैं आपको इसका प्राइस भी बताऊंगा कितने का मेरे को पड़ा है ये। और जिन लोगों को नहीं पता मॉर्फी रिचर्ड्स क्या है, मॉर्फी रिचर्ड्स बजाज की ही कंपनी है। सो बेसिकली इट इज़ अ इंडियन कंपनी और 2 साल की वारंटी इसके साथ आती है। सबसे बड़ी और अच्छी चीज़ जो है, जो मैं आपको बता रहा था बजाज की डिटेल्स वगैरह कहाँ पर है या फिर मैन्युफैक्चरिंग बाय, ये सब कुछ आपको यहाँ मिल जाएगा। यहाँ पे सब कुछ रिटर्न है, तो जो कि आप इजीली पढ़ के देख सकते हो। और मैंने इसे ऑनलाइन मंगाया था, बट सबसे पहले आई हैव टू शो यू कि किस तरह से दिखता है। So this is our heater. This is the cable. Let me check. Oh yes. Well, this is looking really nice. इसको जरा रखते हैं साइड में. And here we go. And अंदर क्या है? Morphe Richards का 2 year warranty card. ये 2 साल का इसका वारंटी कार्ड है। सो वी हैव दिस हीटर मॉर्फी रिचर्ड्स का, एंड लेट मी अनरैप इट। सो ये है हमारा मॉर्फी रिचर्ड्स का पीटीसी हीटर। सो यहाँ पर आप देख सकते हो, यहाँ पे इसकी सेटिंग्स हैं, यानी कि अगर आप जो इसके अंदर जो फ़ैन लगाए, यानी कि जो हवा फेंकने की जो स्पीड है, बेसिकली 0, फैन 1, 2, ये जो आपका है ये जैसे कि हीट के लिए है, मैक्स टू मिनिमम, कि अगर कम चाहते हैं कि मतलब काफ़ी तेज़ कर रहा है तो वो मिनिमम है, और देन इसका यहाँ पर इसका मैक्स है। तो ये काफ़ी काम की चीज़ है, बट एक चीज़ आपको ज़रूर ध्यान रखनी पड़ेगी कि इसका ये जो प्लग है ये मेन पावर प्लग के अंदर आएगा, ये छोटे वाले प्लग्स के अंदर आपका नहीं लगेगा, जो नॉर्मल प्लग्स जो लगते हैं। आप चाहें तो मल्टीप्लग करके ले सकते हैं, बट आई सजेस्ट कि पावर प्लग हो तो बेस्ट है। सो इट्स अ 1 week रिव्यू। एक हफ्ता हो चुका है मुझे मॉर्फी रिचर्ड्स के इस पीटीसी हीटर को यूज़ करते हुए। मुझे जो कि ये पड़ा था 4000 के आसपास, अभी कुछ 3000 कुछ 800 को समथिंग का आ रहा है। तो मैं इसको मेनली जो इस टाइम पे चलाता हूँ वो चलाता हूँ मैं इसको मैक्स के ऊपर ही चलाता हूँ, और 1 या 2 पर ही मैं इसको मेनली चलाता हूँ। सबसे बड़ा इसका बेनिफिट क्या है, जैसे कि मेरा कमरा है यहाँ पर, जैसे मेरा ब्रदर बैठ के काम करता है एंड मैं बिल्कुल सामने बैठ के काम करता हूँ, तो ये एक कमरा जो है सिंपली हमारा ये कमरा बंद रहता है जनरली, और जिस वजह से बंद रहने की वजह से ये बहुत ही जल्दी गर्म हो जाता है। जैसे कि मैं इसको बंद रखता हूँ तो आप ये देख लीजिए, इतना जो मेरा रूम है एक डिसेंट साइज़ का रूम, तो इसको बहुत जल्दी गर्म कर देता है। मतलब इसको कम से कम 2 घंटे 3 घंटे नहीं लगते, या फिर 1 घंटा या आधा घंटा भी नहीं लगता, 15 मिनट मुश्किल से ये कमरे को बहुत ही जल्दी टेम्परेचर उसका जो है बढ़ाने लगता है, तो बहुत ही ज़्यादा अच्छा परफॉर्म करता है ये। तो एक्चुअल में देखा जाए तो मेरा रिव्यू के अकॉर्डिंग, मेरे जो एक्सपीरियंस रहा है उसके लिए, एक छोटे रूम के लिए, जैसे मेरा रूम जो है बंद रूम के लिए, तो बहुत बेस्ट है। और अगर रूम खुलता रहता है तो फिर वही है, ठंडा आना गर्म हवा आना, तो वो तो नॉर्मल सी चीज़ है। बट ओवरऑल मैं लिटरली काफ़ी सेटिस्फाई हूँ इस प्रोडक्ट से, एंड यू कैन गो विद दिस प्रोडक्ट। मेरी तरफ से इस प्रोडक्ट को मिलते हैं थम्स अप।